अभी दो तीन चीजें हैं। अभी आपने कहा कि वो बुक्स नहीं रखते हुए, लेकिन अक्सर जो मिसाल दी जाती है कि जी पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, वो लिबर्टी मार्केट वहाँ की दी जाती है कि वहाँ पे अरबों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन वो मुश्किल से 15-20 करोड़ रुपए साल का टैक्स देते हैं। लेकिन वो तो सबके सामने है, वो सबको नजर आ रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके अलावा आपने खुद जिसका जिक्र किया कि मैं अगर कोई ट्रांजेक्शन करने जाता हूँ, मैं कोई रिटेल लेता हूँ, तो वो मेरे से CNIC नंबर लेते हैं, तो वो क्या काफी हो गया इसको टैक्स में लाने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए? और तीसरी बात ये FBR का जो खासकर जो बिजनेस को ग्राइप है वो ये है कि उनकी जो रिफंड है वो बहुत डिले होता है, उसमें प्रॉब्लम है, तो वो क्यों अभी तक इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सका? आप काइंडली जरा मुफ्त से जवाब दीजिएगा क्योंकि टाइम का। थैंक यू। आकर यहाँ पे एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर मैंने कम से कम ये तो सीख लिया कि मैंने गल समझ आ गई, बेसिकली समझ आ गया मुझे कि किस्सा क्या है। किस्सा ये है कि जी पूरे लाहौर का जो टैक्स है दुकानों का, वो कराची की एक छोटी सी मार्केट है लियाकताबाद, उससे कम है। तो गल मैंने समझ आ गई, ठीक है। अब इसको मैं, अब मसला ये है कि अब उनको परेशानी ये है कि भाई अब आ गए दिन बुरे, तो अब इसको कहानी को चेंज करके रेगुलेशन की कहानी में डालो कि ये रेगुलेशन की कहानी है। मगर मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि रेगुलेशन की जब आप बात करते हैं तो ज़रा कराची से एक दफ़ा रेंजर हटा लें, 6 साल से बैठी है, फिर मैं बताता हूँ रेगुलेशन कैसे कहते हैं। फिर मैं, आप आ जाए कराची में, फिर मैं समझा दूंगा कि रेगुलेशन कैसे कहते हैं। 6 साल से रेंजर बैठी है कराची के अंदर, ठीक है। आप कहते हैं रेगुलेशन, आपको तो रेगुलेशन नज़र आती है ना कि कोई ITO बैठा है वहाँ, हर चौक पर रेंजर खड़ी होती है 6 साल से। तो आप लोग तो, हम तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, हमें पता है कि आप कितनी अयाशी से रहते हैं और हम किस जगह में रहते हैं। तो मैं ये बात नहीं करना चाहता, तो मुझे गल अब समझ आ गई है। मगर बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ये जो कहानी है कि बिजनेसमैन टैक्स देता है, ये थोड़ा नहीं देता, ये गलत है। मैं आपको ये बताता हूँ कि किस्सा क्या है। जो हॉल रोड की दुकान है या कराची की ज़ेबुनिसा स्ट्रीट का ज्वेलर है, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट बहुत बड़ी स्ट्रीट है कराची, उसका ज्वेलर है, उसकी मैक्सिमम टैक्स लाइबिलिटी 12,000 रुपये साल की। ये मसला नहीं है टैक्स देता, मसला ये है कि 12,000 देना है उसने, ये 12 लाख देना है या 12 मिलियन देना है। ये बड़ी लोगों के ख्याल में गलत फहमी है कि जी वो बंदा टैक्स रिटर्न नहीं जमा करता, उसका NTN भी है, वो जमा भी करता है। सुत्तरबंदी के सारे बंदों के पास NTN है, आजमगढ़ बात के सारे बंदों के पास NTN है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो टैक्स देता है, मगर वो कितना देता है और कितना बनता है उसका। अब ये जो पाकिस्तान की आज की हालत है, अब इसमें मैं बार बार सुबह से ये बात आपको, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये गलत भूख गई है, इसको अब आप इस तरह जिस तरह आप कोशिश कर रहे हो चक्कर देने की कि ये ओवर रेगुलेशन है, मैं मुझे कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, मुझे रोका जा रहा है, ये सब अभी नई, ये एक नई मुझे कहानी नज़र आ रही है। मगर इस कहानी को मैं 2-4 प्रोग्रामों में हैंडल कर लूँगा कि ये कहानी ये है कि यार अब ये नई कहानी पेश करो कि टैक्स तो हम देना चाहते हैं मगर ओवर रेगुलेशन, ये कोई कहानी नहीं है। मेरे कोई बंदा एक बिजनेसमैन चैम्बर का मुझे दिखा दे, जब मैं चेयरमैन FBR था, जो मेरे पास कोई शिकायत नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने ये लॉ बनाया कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। शाही साहब आप बिलीव करें कि मेरे पास हर रोज़ आजकल पाकिस्तान में कोई 50,000 बंदों की शिकायत है मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। मुझे अफसर कहते थे सर बस ये वापस ले लें, हमारा तो पैसा बनता ही इस पे है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल अब ये है कि सर ये बात है टैक्स कल्चर की। और मैं फिर वापस आता हूँ कि टैक्स कल्चर नहीं बन सका है आफ्टर 1977। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक चॉइस तो ये है कि थाने को दे दे टैक्स का, जो एक बना दे SIFC टैक्स, SIFC है ना, उसका एक नाम करते हैं SIFC टैक्स, तो शायद इसको दे दें, ठीक है। तो आप लोग जो सारी बातें करें, मुझे नहीं लग रहा है कि या तो SIFC टैक्स बता दें कि यार वो फौजी देगा, बाकी तो हम दे, और तो ले नहीं सकता। तो सर ये सारी बातें मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम क्या कह रहे हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में। हम ये कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होनी चाहिए,
हम क्या डीरेगुलेशन क्या बात करें, मतलब व्हाट वी आर सेइंग, इसका मतलब क्या है? एपीआर गलत है, मैं मानता हूं। नहीं शब्बर, देखें मैं एक सेकंड, देखें ये कोई भी कह रहा कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब रिड्यूसिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। और ये बात देखें, ये बिल्कुल सही है कि नो, पाकिस्तान नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई आदमी टैक्स जो है ना ज़्यादातर नहीं देना चाहते, जाहिर है रिड्यूस करना चाह रहे हैं। इशू तो ये है ना कि हमारी इन्फोर्समेंट नहीं है। जब तक आप इन्फोर्समेंट, मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे ये एक बात सुनो ना, इट्स नॉट जस्ट टैक्स एफडीआर का ही प्रॉब्लम नहीं है ना, सारा का सारा हमारा बड़ा अर्क है। क्या ट्रैफिक लॉज हमारे कंप्लायंस है उसकी, या कौन सा सिस्टम हमारा चल रहा है? सर मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हर सूबे में एक कानून है, इसका नाम है शॉप एक्ट। कानून है गलत या सही, कानून है कि शॉप एक्ट होना चाहिए। जो दुकान खोलेगा उसको जाकर एक जगह पे पर्ची लेके शॉप एक्ट लेना है। कल मैं टीवी प्रोग्राम में था, जो पर जो रिली होगा कल या परसों, तो वह ट्रेडर वाला बैठा था। मैंने कहा यार तुम ये बता दो मुझे कि आदर्श ब्लॉक डॉट कॉम में दुकानें कितनी हैं। मैं टैक्स तो लेना ही, मैं वो चार साल के लिए, आई वॉन्ट टू गिव एग्जेम्पशन टू अदर ब्लॉक मार्केट फॉर 5 ईयर। बस जस्ट टेल मी हाउ मेनी शॉप्स आर अदर ब्लॉक मार्केट। मैंने कहा शॉप एक्ट में रजिस्टर है? उसने कहा सर 80% दुकानें शॉप एक्ट में रजिस्टर नहीं है। अच्छा आप समझे शाहिद साहब, ये मसला इसलिए पैदा हो गया कि सूबाई शॉप एक्ट सूबाई गवर्नमेंट का कानून है। मुल्क का स्ट्रक्चर टूट गया है। मैं बात समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ, ये मुल्क टूट चुका है। जब आपने शॉप एक्ट को दे दिया, उसके बगैर दुकान खुली नहीं सकती। दुनिया में कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें आप कारोबार कर सकते हैं विदाउट बिजनेस लाइसेंस। कोई दुनिया का मुल्क बता दें, पाकिस्तान में कोई लाइसेंस है? आप ओवरविशन बात करते, मैं तो मुझे आप समझाए ना, आप जाके जो मर्जी दुकान खोल लें, हीरोइन बेचे, कुंडी बेचे, नहीं मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल सवाल ये है कि ये क्यों है? नहीं शॉप एक्ट नहीं, नहीं शॉप एक्ट नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। यार शॉप एक्ट खत्म करते फिर मैं मानता हूँ शॉप एक्ट खत्म करते, मगर शॉप एक्ट आज मौजूद है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मौजूद है, रिश्वत लेने के लिए मौजूद है। मगर शॉप एक्ट बहुत जरूरी है अगर आपने सेल टैक्स कलेक्ट करना है तो। अब सवाल ये नहीं है, अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम, मैं तो आईएमएफ की बात भी नहीं करना चाहता, क्या हम आईएमएफ को ये कहने जा रहे हैं कि जनाब हम हमारे यहाँ ओवर रेगुलेशन है, हमें 5 साल दे दें, हम ओवर रेगुलेशन सही कर लेंगे, उसके बाद आपको टैक्स दे देंगे, ये कह रहे हैं? खत्म हुई बात, खत्म कर लेंगे तो ठीक है, ये तो नहीं कह रहे ना। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं? अब उन्हें हमें ये कहना पड़ेगा ना, वो भी तो सामने वाले नहीं जानते ना, अब उन्हें ये बताना पड़ेगा ना कि हमारी गलतियां क्या है। अब हम अनफॉर्चुनेटली हम इस सेशन में बैठ के अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी टैक्स की गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर को जगह दो, उसको जगह दो, कारोबार करने दो, मेहनत कारोबार करने दो। मेरा एक सवाल है आपसे, अभी हम एफडीआर की तो हम बात कर रहे हैं ना, एक एफडीआर का इशू है, वहाँ इन्फोर्समेंट नहीं। अब वी नो के 90% टैक्स कलेक्शन जो है ना ओवरऑल डिविजिबल पूल की, वो एफडीआर करता है। सूबों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो तो हार्डली 10% करती हैं, वो सेम शायद करता होगा, बाकी तो 5% भी नहीं करते। सूबों में 3-3 टैक्स एजेंसीज हैं। अब ये क्यों है मुझे ये बताएं, वहाँ उनके पास एसआरबी रेवेन्यू, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक जो है रेवेन्यू अथॉरिटी है जो सर्विस टैक्स, एक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उसके अलावा सेसी है और दूसरी एजेंसी जो ये बात जो कर रहे हैं। हमने एक्चुअली गवर्नमेंट को इतना फैला दिया है जो है, वेदर इट इज फेडरल गवर्नमेंट, अब 18th अमेंडमेंट हुई, 17 मिनिस्ट्रीज जो है वो आपको ख़त्म कर देनी चाहिए थी, वो आपने ख़त्म नहीं की, फंक्शंस भी आपने ट्रांसफर कर दिए, पैसे उधर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आप यू आर कंटिन्यूइंग दैट। तो ये ओवरऑल सिस्टमिक इश्यूज हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि कोई अपनी अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहता। एंड देयर आर, अब देखे ना, लुक एट दी इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है कि